वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप आई होप खैरियत से होंगे ठीक होंगे uh, आज जुम्मे का दिन है और uh, जुम्मे वाले दिन uh, हम लोग तो बड़े एक्साइटेड होते हैं और खुश होते हैं क्योंकि आगे दो छुट्टियां आ रही होती हैं और एक बड़ा अच्छा होता है क्योंकि एक हाफ डे आपको मिल जाता है तो आप आगे जो आपका वीकेंड होता है उस तो पर आप रिलैक्स कर सकते हैं सारी जो आपके हफ्ते की जो थकावट होती है उसको आप दूर कर सकते हैं और जुम्मे के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यही होगी कि जुम्मा तो ऑबियसली हम मुसलमान हैं सब जुम्मा पढ़ते हैं लेकिन सूर्य कहाव जो है उसको ज़रूर जुम्मे के दिन पढ़ा करें क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट इम्पॉटेंस है उसकी और इसकी आप ने फरमाया कि जो सूर कहाफ़ है वो आप जब पढ़ते हैं तो अगले जुम्मे तक वो आपके लिए आ, एक प्रोटेक्शन का बायस बन जाती है तो ज़रूर सूरय कहाफ़ को पढ़ें और आ, वैसे तो हर दिन ही हमें आ, कुछ ना कुछ ऐसे आ, काम करना चाहिए जो कि यूज़फुल हो फॉर द पीपल या जिससे हम कुछ गेन करें एट दी एंड ऑफ द डे लेकिन क्योंकि जुम्मा जो है वो तो तमाम दिनों का सरदार है तो हम वैसे ही इसको प्रायोरिटी देते हैं और बहुत सुबह से ही होता है कि जुम्मा जुम् जुम्मा तो सारे काम हम उससे पहले जो है वो कम्प्लीट कर लेते हैं आज हमने शो में जिन शख्सियत को दावत दी हमारी कोशिश यही है कि क्योंकि बहरिया यूनिवर्सिटी का अपना चैनल है बहरिया यूनिवर्सिटी का एक इनिशिएटिव है तो हमने यही कोशिश की कि हम आपको डिफरेंट फील्ड से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो प्रोफेसर्स हैं टीचर्स हैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स हैं उनको बुलाएं ताकि जो स्टूडेंट्स uh, हैं क्योंकि एक मिक्सचर ऑफ सब्जेक्ट्स हमारी यूनिवर्सिटी में है स्टूडेंट्स डिफरेंट प्रोफेशन से हैं ताकि उनको यूज़फुल हो एट दी एंड ऑफ द डे और वो डिफरेंट उनके पास अपॉर्चुनिटीज हों और चॉइसज हों ताकि वो ईज़िली सेलेक्ट कर सकें जो भी उनको गाइडेंस चाहिए आज हमने बुलाया डॉक्टर मोहम्मद अली सईद को जो कि पी uh, उन्होंने किया इकनॉमिक्स में अच्छा खासा मुश्किल सब्जेक्ट है सीनियर लेक्चरर हैं बहरिया यूनिवर्सिटी में और अगस्त uh, 2012 से 2009 में वो uh, रहे जी टी सितंबर 2009 से जनवरी 2012 यूनिवर्सिटी से um, assistant professor 2012 से वो, uh, University से वो वाबस्ता है उनसे हम बात करेंगे और जो भी इकोनॉमिक्स uh, के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज हमने उनको बुलाया कि uh, वो उनको गाइड करें और उनके लिए एज अब होंकम थैंक यू सो मच फॉर for having such a good setup uh, thank you so much for giving us your time okay. You. sir mujhe bataye why economics itna mushkil subject bachche la la karke wo jo ek semester mein jinko offer hota hai la la karke pass karte hain ki bas grade aa jaye aapne kyun phd kiya economics mein i think it it is say, uh, like it gives a solution to nearly everything in the world wo jo basic ek concept hai demand and supply ka wo aap duniya ki har cheez pe apply kar sakte hain matlab whether it's pricing whether it's real time issues फॉर एग्जांपल अगर एक स्टार है क्रिकेट का और उसको हंड्रेड लोग फॉलो कर रहे हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी यू hmm. नो you know? तो और लेकिन अगर एक बंदा है और उसको एक बंदा ही डिमांड कर रहा है तो उसकी प्राइस कम हो, हो जाएगी तो आई थिंक एवरी इन द वर्ल्ड सम इकोनॉमिक प्रिंसिपल कैन सॉल्व दैट इशू तो एक ये वजह थी प्लस इन माई फैमिली माई मदर्स ग्रैंड ही वॉज एन इकोनमिस्ट यू नो

तो उन्होंने डिसिप्लिन आर्मी का दिया हमें और साथ एजुकेशन दी कि देर इज़ नो लिमिट टू एजुकेशन फॉर एग्जाम्पल आज मुझे पाँच साल हो गए हैं पी एच डी किए हुए और अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि आई स्टिल नीड टू गेट मोर नॉलेज आई वॉन्ट टू गो फॉर पोस्ट डॉग आई वॉन्ट टू गो टू हार्वर्ड मतलब ही सेट के ही टोल्ड अस कि देर इज नो लिमिट टू एजुकेशन आप कभी ये नहीं कह सकते कि आज मुझे सब कुछ आता है hmm. हमेशा यू हैव टू कॉन्स्टेंटली सीक आउट एंड लर्न मोर तो वो चीज़ उनकी एजुकेशन से आई डिसिप्लिन आर्मी से आया तो इस वजह से बैरिया में भी इलेवन ईयर से सक्सेसफुल हैं कि इधर भी दोनों चीजों का कम्बिनेशन है डिसिप्लिन एंड एजुकेशन अगर आपकी एक चीज़ की भी अगर कमी हो तो यू कॉन्ट सर्वाइव एट बैरियर इफ़ यू नॉट डिसिप्लिन यू कॉन्ट सर्वाइव है मुझे बताएं कि आपने बाहर से पढ़ा ऑब्वियसली पाकिस्तान में फिर आपने आके क्यों टीचिंग की वाई यू डिड नॉट प्रेफर कि आप किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं क्योंकि ऑब्वियस जब आप एक दफ़ा बाहर चले जाते हैं फिर उनका लौटना मुश्किल हो जाता है आपको क्या चीज़ वापस वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये मैं कभी कभी अक्सर अपने आप से भी ये क्वेश्चन करता रहता हूँ कि वाई डिड आई कम बैक उसके दो तीन रीजनस uh, थे वन प्राइमरीली तो आई हैव फैमिली एंड फ्रेंड्स इन पाकिस्तान और मैं अपना जो फैमिली और फ्रेंड्स और टाइम स्पेंड करता हूँ आई रियली चेरिश इट अलॉट वो मेरा टाइम मैं बाहर रहूँ मिलियंस ऑफ पाउंड भी क्यों ना कमाऊं बट दैट गुड टाइम दैट आई हैव विद माय फैमिली एंड फ्रेंड्स वो बाहर नहीं, नहीं हो सकता सही बात। तो एक वजह ये थी और दूसरी ये थी डेट जब मैंने मास्टर्स भी बाहर से किया यूके से कार्डिफ यूनिवर्सिटी uh, से फिर मैं वापस आया चार साल में रहा फिर पी के बाद वापस इस वजह से आया दैट आई थिंक पाकिस्तान में कुछ इकॉनमी में चीजें ठीक नहीं हो रही hmm. मतलब दे आर सम थिंग्स

कार्डिफ या लेस्टर से नहीं, नहीं पढ़, पढ़ सकता सही लेकिन बाहर अगर इंग्लैंड में अगर आज एक बच्चा पैदा होता है और उसका लेट से फादर लेट से एक नायब काशि भी है तो एक यूनिवर्सिटी में तो वो उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन सकता है लेकिन पाकिस्तान में आई थिंक ये एक बहुत बेसिक सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि अगर एक बच्चा है एक बंदा है उसका बच्चा जो है वो उसी उसके लेवल तक जाता है या थोड़ा सा ऊपर जाता है बट आई थिंक अगर हम इकोनॉमी में और सोसाइटी में कुछ चेंजेस ले आए जो आ सकती हैं दे आर डूएबल तो हम काफ़ी कुछ बेहतरी कर, कर सकते हैं स्पेशली फॉर आर लोअर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास बिकॉज आई थिंक पाकिस्तान में ठीक है काफ़ी लोग मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास ने बड़ी तरक्की की है जी मेहनत की है तरक्की की है बट जो लोअर क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है वो तरक्की करने के लिए भी तैयार है वो मेहनत करने के लिए भी तैयार है वो बारह घंटे काम भी कर रहे हैं लेकिन वो एक सर्टन लेवल से राइज नहीं कर सकते वो जितनी मेहनत भी कर ले वो अपने बच्चे को ए लेवल्स नहीं करा सकता hmm. उसकी फीस नहीं दे सकता कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की या लंदन यूनिवर्सिटी hmm. की लेकिन आई थिंक सो अगर हम ये चीज़ें ठीक कर ले आई इट कीप ट्राइंग क्लास क्लास में मैं बच्चों को बताता हूँ कि जो बच्चे हमारे ग्रेजुएट करते हैं दे आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान अगर वो सी एस एस करके गवर्नमेंट में जाएंगे और अगर मेरी कोई कई भी क्लास की बात उनको याद रहेगी तो मे बी दे कैन ब्रिंग अ चेंज तो चेंज आई थिंक रेवोल्यूशन से भी आ सकता है लेकिन एजुकेशन और टीचिंग से भी आ सकता, आ सकता है, है। so, मुझे sorry. बताएं कि um, आपने तो ऑब्वियसली क्योंकि आपने कहा कि yeah. आपके इकोनॉमिस्ट uh, uh, थे yeah. आप तो वाबस्ता रहा लेकिन मुझे बताएं कि आपने खुद क्यों चूज किया uh, मतलब इट वाज योर लाइक चॉइस

मिक्स एंड इकनॉमिक्स इज़ जस्ट लॉर्ड ऑफ फोकस ऑन इकनॉमिक्स तो आई थाट के बिकॉज मेरा शुरू से इंटरेस्ट पब्लिक पॉलिसी में था मतलब मैं इवन वेन आई डिड माई ए लेल्स तो ए लेस करने के बाद भी मैं फादर को कहता था कि जी यू नो वाई कॉन्ट एवरीबडी इन पाकिस्तान डू एवल्स बिकॉज आई थाट कि मुझे ए लेवल से बहुत जब मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एफ एफ एस सी की उनसे आई थिंक इंटलेक्चुअल लेवल या लेवल ऑफ नॉलेज वॉज मोर एट एवल्स तो मेरा पब्लिक पॉलिसी में और चेंज लाने में इंटरेस्ट ज़्यादा था तो आई थिंक आई आई जब मैंने बिकॉज बहन ने मेरी एम बी ए दो तीन साल पहले किया था मैंने उसकी बुक्स देखी इकनॉमिक्स की बुक्स देखी मैं ए लेल्स में इकनॉमिक्स पढ़ चुका था बी ए बी एस सी में इकनॉमिक्स पढ़ चुका था तो आई थाट कि अगर कोई चेंज लानी है

so I hmm. I I think that 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 was the reason that I had the reason had interest interest there, and then this uh, interest in changing Pakistan's economy that I decided to go for economics. मुझे बताएर uh, पाकिस्तान में बहुत दूसरे ममालिक भी हम देखते हैं कि बच्चे जब कोई भी प्रोफेशन चूज करते हैं बड़ा घबरा रहे होते हैं पता नहीं बाद में जॉब मिलेगी या इवन hmm. hmm. वो तो फोर्थ से, से प्लानिंग hmm. कर hmm. लेते हैं <coughs> सॉरी के पता नहीं जॉब मिलेगी अपॉर्चुनिटी होगी कि नहीं आपने चूज़ किया आप माशा यूर रिलेटेड टू तो दिस फील्ड नाउ और आप इतना माशाल्लाह आपका नाम है बच्चों को आप क्या गाइडेंस देंगे क्या उन्हें बताएंगे कि इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अगर वो देखें कल को वो चूज़ करते हैं इकोनमिस्ट बनना क्या अपॉर्चुनिटीज उनके पास है? काफी हैं काफ़ी अपॉरचुनिटीज हैं फॉर एक्जाम्पल हमारा एन सेक्टर आई सेक्टर पाकिस्तान में काफ़ी बड़ा है उसमें लॉट ऑफ़ एन जी आर वर्किंग ऑन द डिपमेंट साइड तो जो भी डेवलपमेंट साइड पे काम कर रहा है गवर्नमेंट uh, सेक्टर में हो प्राइवेट सेक्टर में हो उसमें इकोनॉमिक की बहुत वो है इम्पोर्टेंस है प्लस uh, एक फ़र्क अगर आप देखें बिजनेस स्टूडेंट्स में और इकोनॉमिस्ट में ये है डेट कैन राइट आई थिंक बेटर आई थिंक दे कैन राइट बेटर इन द सेंस कि उनकी राइटिंग स्किल्स मेरे ख्याल में थोड़ी सी बेहतर हाँ. होती हैं बिकॉज इट्स मोर फोकस्ड इन वन एरिया और उसमें बिकॉज एम बी ए लॉट ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यू नो बट इकोनॉमिक्स इज़ मोर फोकस्ड ऑन थ्योरी एंड देन यू हैव टू रिप्रोड्यूस दैट नॉलेज ऑफ़ थ्योरी तो राइटिंग स्किल्स बेहतर हैं एंड आई थिंक आजकल जितना मीडिया एक्सपैंड कर गया है यू नो क्वालिटी ऑफ आर प्रिंट इज़ ऑल्सो गोइंग अप तो आई थिंक इधर काफ़ी इफ़ एन इकोनॉमिस्ट कैन राइट वेल तो उसमें भी काफ़ी यू नो अपॉर्चुनिटीज़ हैं फिर पाकिस्तान में प्लानिंग कमीशन है प्लानिंग कमीशन मोस्टली हायर्स पीपल बैकग्राउंड इन इकोनॉमिक्स और जितनी हमारी डेवलपमेंट हो रही है सीपैक के साथ आई थिंक अपॉर्चुनिटीज हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस और तरह मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि पाकिस्तान में गैप बहुत है इकोनॉमी में देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड टू बी फिक्सड और कोई उन उन चीजों को फिक्स करने के लिए पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी ऑन द ग्राउंड उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी पड़ेगी फेडरल लेवल पे प्रोवेंशल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यू नो इट हैज़ टू फिल्टर डाउन मतलब जो इकोनॉमिक पॉलिसी है तो उसमें की तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है आई होप hmm. uh, के गवर्नमेंट एट ऑल लेवल इस इम्पोर्टेंस को समझे और स्टूडेंट्स को भी समझना चाहिए स्टूडेंट्स को भी समझना चाहिए।, चाहिए भी समझना चाहिए और फिर गवर्नमेंट भी समझे और फिर इकोनमिस्ट को लगाए फॉर एग्ज़ाम्पल एन इंजीनियर लेट्स इज़ वर्किंग एट अ प्रोजेक्ट और उसकी कोई करीब लोकेलेटी है uh, अगर वो पॉवर्टी में है या डाउन टाउन है तो उसको इतनी समझ नहीं आएगी कि इनको कि बेहतर किस तरह करना है hmm. उसको डैम ही बनाना आएगा वो वॉल्स को प्रोटेक्ट कर लेगा पानी को उधर प्रोटेक्ट कर लेगा लेकिन वो जो एक अगर उसके करीब कोई ऐसी कोई पॉवर्टी रिडन कोई थोड़ा सा एरिया है तो उसकी अपलिफ्ट को तो वो नहीं कर सकेंगे सक उसके सक लिए घर ही बना सकेगा लेकिन वो बिजली का बिल कहाँ से देंगे उनकी इनकम कहाँ से आएगी यू नो हाउ विल दे गेट एजुकेशन हाउ विल दे गेट गुड हेल्थ उस मैकेनिज्म को बनाने के लिए तो यू नीड इकोनॉमिस्ट टू मेक पॉलिसीज देन सी देयर इम्प्लीमेंटेशन तो फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है डोमेस्टिकली भी एंड इवन इंटरनेशनली भी नेशनली और इंटरनेशनली आर एजुकेशन सेक्टर हैज़ रियली एक्सपेंडिड so a lot of economists uh, can work in universities. Mm -mm. Uh, a lot of universities are, are offering direct economics programs. a lot of universities are offering programs on development side, development studies. So universities may bought jobs jobs. international universities may bought jobs jobs. internationally based africa hai, china is now investing billions in africa as well. Ab china, hai sirf aur ko dekh rahe, you know, china has uh, a multi-pronged uh, economic, पॉलिसी और वो अफ्रीकन कंट्रीज को भी टैप करना चाह रहे हैं एंड उधर वो रेल नेटवर्क बना रहे हैं रोड नेटवर्क बना रहे हैं तो उधर भी बहुत डेवलपमेंट होगी यू नो वर्ल्ड बैंक आई एम एफ देव जॉब्स देर सो इकानल्ड बैंक आई एम एफ इंटरनेशनली वैन एवर दे हायर फ्राम पाकिस्तान नाइनटी परसेंट ऑफ द टाइम दे हायर इकोनॉमिस्ट एंड डॉ महबूबुल हक जो हमारे इकोनॉमिक्स से ही हैं ही वॉज एन इंटरनेशनल फिगर और सो इकॉमिस्ट और अगर इफ़ यू गो अब्रॉड तो अगर वो समझते हैं इंडियन डोमिनेशन बहुत थीयर देयर नाइनटीट ऑफ माई कुलिग्स बट नन ऑफ देम वॉज एन इकॉनमिस्ट देमिस्ट हम हमेशा पाकिस्तान से ही हायर करते हैं सो दैट्स वन गुड थिंग अबाउट इकनॉमिक्स हमारे क्या आजम यूनिवर्सिटी है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी है कराची uh, यूनिवर्सिटी है इकनॉमिक्स बहुत देर से प्रोड्यूस हो रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर इट हैज़ प्रोड्यूसड गुड इकॉनॉमिक्स तो काफ़ी हमारी हिस्ट्री है

फन इन देंस के यू कैन ऑफ एक्टिविटीज डिबेट्स जिसमें आई थिंक स्टूडेंट्स को आजकल कल एक छोटी सी इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट है टैक्सेशन का uh, एक डायरेक्ट टैक्स होता है आई डोंट टू सॉरी पेप्सी तो उस पर आप थोड़ा सा टैक्स देते हैं और अगर आपकी कोई इनकम है तो उस पर टैक्स होता है तो कुछ स्टूडेंट बिलीव करते हैं कि इनकम टैक्स बहुत बढ़ा देना चाहिए कुछ लोग बिलीव करते हैं कि हाँ ये पेप्सी कोक को बहुत महंगा सो यू नो अगर ये आप डिबेट उनमें जनरेट करें तो बड़ा इंटरेस्ट लेते इंटरस्ट, हैं बिकॉज हाँ। हर चीज़ का एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है अगर आप उनको एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट दिखा दें देन दे बिकम रियली इंटरेस्टेड इन दब्जेक्टेक्ट लेकिन अगर आप उनको सिर्फ थ्योरी कराते रहेंगे और उनको रिलेट नहीं करेंगे रियल लाइफ से जो एवरी डे इशूज है उनके तो so then it becomes boring for interesting बनाने की जरूरत भी मेरे ख्याल से वो yeah. एक हद सेमेस्टर के लिए जो हम पढ़ते हैं mm -hmm. तो वो इतना बोरिंग हो जाता है कि बंदा कहता तो है बड़ा मुश्किल है बस निपटाओ इसको नहीं i think मैं आपको किस दिन आके ना maybe i can give you a crash half an hour class on <laughs> economics <laughs> we'll definitely ah. take that we'll take a short break here break के बाद हम वापस आएंगे तो हम मजीद बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर keep watching rising shine with beharia आफ्टर द ब्रेक सर मुझे बताएं हमारे साथ लास्ट क्यू, uh, कुछ सेकंड्स हैं मिनट्स हैं मुझे बताएं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ठीक है जब वो ग्रेजुएट होते हैं ऑब्वियसली तो फिर वो कहते हैं कि हमने मास्टर्स करना है ताकि हमारी डिग्री और अच्छी हो जाए फिर पीएचडी करना है एम करना है मुझे बताएं जब यहाँ से फ़्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट जाएगा चार साल उसने uh, पढ़ा बैचलर्स किया उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होगी फिर पाकिस्तान की इकॉनमी में या मार्केट में देखें अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो हम चार साल की करवाते हैं हमारा डिपार्टमेंट या कोई और भी डिपार्टमेंट उसमें काफ़ी नॉलेज बेस मिलता है ए, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये गाइड करता हूँ कि चार साल की डिग्री के बाद एटलीस्ट वो टू ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस लें अच्छा फिर एम एस करने आएँ या फिर एम बी ए करने आएँ बिकॉज देन दे विल लर्न मोर बिकॉज उन्होंने इंडस्ट्री में थोड़ा टाइम स्पेंड किया होगा उनको पता होगा कि इस चीज़ की रेलिवेंस क्या है

आजकल इकोनॉमिक्स है प्लस पोलिटिकल इकोनॉमी है नो इज इज फील्ड कॉल्ड इकोनॉमी कि क्या ये इकोनॉमिक पॉलिसी पॉलिटिक्स से तो लिंक नहीं है तो एटलीस्ट अगर उनको इंटर्नशिप भी मिलती है आई एम एफ में वर्ल्ड बैंक में या पाइड में यू नो वी डिपार्टमेंट पाइड एंड काज यूनिवर्सिटी में तो उसमें दो साल काम करें लेट्स से वो फोर ई अंडरग्रेड करते हैं इकोनॉमिक्स में तो दो साल कहीं रियल डेटा जाके देखें

ब्रेक ब्रेक इन द सेंस ब्रेक ये नहीं है कि आप घर जाके बैठ जाएं और यू नो कंप्यूटर पे गेम्स खेलते रहे आई पर्सनली थिंक दे नीड टू वर्क अगर आप बाहर के लोगों को देखें लेट्स से अगर आप यूरोप देखते हैं या अमेरिका वो तो इवन ट्वेल्थ ग्रेड करने के बाद कुछ देर काम करते हाँ. हैं फिर यूनिवर्सिटी अब अब खुद काम करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी को खुद फंड करते हैं मतलब उनके पेरेंट्स के पास प्लॉट्स नहीं होते जो बेच बेच के बच्चों को पढ़ाते जाते हैं जी मैक्सिमम स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी में अपने आप को खुद फंड करते हैं लोन्स लेते हैं और वो साथ काम कर रहे होते hmm. हैं तो वो दे आर एबल टू लर्न मोर इन द दूनिवर्सिटी अलॉन्ग बिकम बेटर ग्रेजुएट्स तो आई बिलीव के इमिजिएटली मास्टर्स के लिए नहीं आना चाहिए मिनिमम वन ईयर वर्क एक्सपीरियंस लेना चाहिए बिकॉज देर इज नो टू एक्सपीरियंस सब्सी जितने मर्जी शोज टीवी पे देख लेंगे लेकिन जब तक आप खुद एंकर बन के नहीं करेंगी, नहीं करेंगी

अच्छा मुझे सर बताएं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप क्या देखते हैं कि एक स्टूडेंट की जो वो ग्रेजुएट कर जाता है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर क्योंकि अक्सर पे बच्चे बाहर जाने का सोचते हैं बाहर पढ़ने का सोचते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी में वो किस तरह हेल्प कर सकते हैं पढ़ने के बाद एक तो जी उनकी काफ़ी अगर वो पाकिस्तान में काम करते हैं और रहते हैं तो वही इकॉनमी की एक सपोर्ट है फॉर एग्जाम्पल आप काम कर रहे हैं तो आप टैक्स दे रहे हैं थोड़ा बहुत वो गवर्नमेंट को जा रहा है प्लस अगर आप काम कर रहे हैं तो आप ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं जाने में आप टैक्सी में बैठ रहे हैं आप उसकी भी जॉब प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप काम कर रहे हैं तो आप लंच भी बाहर कर रहे हैं जो? तो आप पूरी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर, कर रहे हैं यही चीज आप जाके अगर यूके में करेंगे तो आप यूके के इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे अगर आप उधर घर किराए पे लेंगे तो उधर को सपोर्ट करेंगे तो इफ यू स्टे इन पाकिस्तान एंड यू आर वर्किंग एंड यू आर कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज तो यू आर हेल्पिंग द दी यू आर क्रिएटिंग जॉब्स अगर आप सब हम यूके चले जाएं आज और ए, अमेरिका चले जाएं तो हम उधर जॉब्स क्रिएट करेंगे उधर के टैक्सी ड्राइवर्स को सपोर्ट करेंगे उधर के जनरल स्टोर से दूध लेंगे हाँ। अंडे लेंगे तो उस स्टोर को फ़ायदा होगा पाकिस्तान में रहेंगे तो पाकिस्तान में जॉब्स क्रिएट करेंगे जॉब्स क्रिएट होंगी तो लोगों का इनकम लेवल बढ़ेगा इनकम लेवल बढ़ेगा तो आगे से और एक्सपेंडिचर करेंगे तो वो

डिफेंस में ऐसी टेक्नोलॉजी yeah. हमने डेवलप की है जो हमारे साइंटिस्ट ने बाहर से जाके सीखी अगर वो बाहर ना जाते तो शायद हम वो डेवलप ना कर सकते सो yeah. so, ज़रूरी है कि हम बाहर जाएं और वापस आके पाकिस्तान को उसका 100 परसेंट बेनिफिट दिला और इस्लामाबाद में एवरी डिपार्टमेंट लॉ है तो वो भी यू नो इट्स एट द पीक इन दिस रीजन इन आ डिपार्टमेंट मे बी वी हैव अ वेरी बिग कम्पटर इन लाहौर वी हैव अग कम्पटर इन कराची ये दो हमारे कम्पटिटर्स हैं एंड वी आर ट्राइंग आर बेस्ट टू प्रोड्यूस ग्रेजुएट्स हु कैन मैच लम्स एंड आईबीए तो वो हमारा गोल है आई वुड नॉट से वी हैव रीच दैट माइलस्टोन बट इन आई थिंक नेक्स्ट टू इयर्स में हमारे पास अभी करंट डायरेक्टर की बहुत सपोर्ट है वी आर प्लानिंग टू गो फॉर इंटरनेशनल एग्रीडेष इन द नेक्स्ट टू ईयर्स आर एम बी प्रोग्राम नेक्स्ट टू थ्री ईयर्स में वी वुड लाइक कि हमारा डिपार्टमेंट नेशनली नहीं इंटरनेशनली भी रिकगनाइज नेशनली तो हम हैं वी वी हैव हैड एच ई सी विजिट वी हैव दल दी नेशनल एग्रीडेशन रिक्वायर्ड नाव वी आर प्लानिंग टू गो फॉर इंटरनेशनल एग्रीडेशन तो आई थिंक वंस वी आर एबल टू डू दैट उसका क्लास रूम में अफेक्ट आएगा वी विल बी एबल टू प्रोड्यूस क्वालिटी ग्रेजुएट्स और और फिर उनका नेशनल ना इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। आपसे बात रही थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इट था हमारा आज का शो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे मंडे को अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और देखते रहिए राइज इन शाइन बहिया